आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू फोकस अ ड्रीम। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप हाई ड्रीम वाले हैं, बिग ड्रीम वाले हैं, तो याद रखें उसके साथ एक चीज को और इजाफा कर लें। इफ यू फोकस योर ड्रीम 24/7, इट मींस यू हैव द बिग ड्रीम। हर टाइम अपने ड्रीम को अगर आप फोकस करके जिंदगी गुजार रहे हैं तो जान लें कि आप बिग ड्रीम वाले हैं। और अगर आपका ड्रीम 24/7 नहीं है, 24/7 आपका ड्रीम नहीं है, फोकस नहीं हो रहा, तो फिर आप हाई ड्रीम और बिग ड्रीम वाले नहीं हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक बात समझाता हूँ। आपकी फ्लाइट है सुबह 7 बजे, आपने लाहौर से जद्दा जाना है, उमरे की आपकी फ्लाइट है, आप 4 घंटे पहले पहुंचने की हर हाल में कोशिश करेंगी। 4 घंटे ना सही, 3 घंटे पहले, 3 घंटे ना सही, 2 घंटे पहले। बेशक आपको खाना छोड़ना पड़े, बेशक आपकी कोई भी चीज रह जाए, आप हर चीज को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर फ्लाइट मिस हो गई तो आपका उम्रा निकल जाएगा, जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे अपनी हालत सोचें क्या होती है। ओके, डेवो के आपने बस पकड़नी है, आपने लाहौर जाना है, आपका कल इंटरव्यू है, आपको पता है कि लास्ट बस चलती है वो रात को 12 बजे चलती है और आपकी बुकिंग है 12 बजे, कोई बस नहीं, क्या आप बस को मिस होने देंगी? आप हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार होंगी, डेवो को नहीं छोड़ेंगी। ट्रेन स्टेशन पे 10 मिनट के लिए रुकती है, आपको पता है कि इस ट्रेन के बाद अगली और ट्रेन भी कोई नहीं आनी, 10 मिनट में आपने 4 काम करने हैं, आपने वुजू करनी है, नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है। आप शायद उसमें आप एक काम कर सकती हैं कि वुजू करके नमाज पढ़ लें, आप खाना भी छोड़ देंगी, आप चाय भी छोड़ देंगे, वुजू करके नमाज पढ़ेंगी। सम टाइम आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती, सिर्फ वुजू कर लेंगी और वुजू करके आप ट्रेन के अंदर आके नमाज पढ़ लेंगे। ये है फोकस योर ड्रीम। आप ट्रेन को नहीं छोड़ सकते, आप डेवो बस को नहीं छोड़ सकते, आप मिस नहीं कर सकते अपनी फ्लाइट को। याद रखना, जो हाई ड्रीम वाले होते हैं, जो बिग ड्रीम वाले होते हैं, वह पूरी जिंदगी में हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपने ड्रीम पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ना उनको सर्दी रोक सकती है, ना उनको गर्मी रोक सकती है, ना हर्डल्स उनको रोक सकती है, ना मुश्किलात उनको रोक सकती हैं। वो अल्लाह पे तवक्कुल करके अपनी डेस्टिनेशन को फोकस करके चलते हैं, तो जाकर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो जाकर वो हाई अचीवर बनते हैं, तो जाकर ड्रीम कम्स ट्रू होता है। जब ड्रीम कम ट्रू होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत कामयाब शख्स है, ये नहीं जानते कि कामयाबी के पीछे उसने 24/7 जो पिछले 20 साल अपने ड्रीम को फोकस किया है, उसके लिए जो एफर्ट्स की हैं, जो स्ट्रगल की हैं, जो अपनी अपने कंकर द लिमिट्स की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, वो जो जितने चैलेंजेस उस शख्स ने कबूल किए हैं वो हम भूल जाते हैं, वो हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ कामयाबी को देखते हैं। मैं किसी और नज़र से देखता हूँ, मैं देखता हूँ जब कोई शख्स अपने ड्रीम को फोकस कर रहा होता है, जब कोई स्टूडेंट अपने ड्रीम को फोकस कर रहा होता है, उसे ना तो सोशल मीडिया रोक सकता है पढ़ने से, ना सोशल लाइफ रोक सकती है, ना सोशल गैदरिंग रोक सकती है, ना फंक्शन रोक सकते हैं, ना ही गेम्स रोक सकती हैं, क्योंकि उस बच्चे का बिग ड्रीम है, उसे अपने ड्रीम को फोकस किया हुआ है कि मैंने CSS ऑफिसर बनना है, मैंने ब्यूरोक्रेट्स बनना है, मैंने जज बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो फोकस योर बिग ड्रीम के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए वो बच्चे जो अपने ड्रीम को फोकस कर रहे हो, मुझे तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ही और शी इज गोइंग टू बी अ हाई अचीवर। जब टीम मेंबर्स जो अपने ड्रीम को फोकस कर रहे होते हैं, पहली स्टेज होती है सेट द हाई एम, बिग ड्रीम का मालिक होना। ड्रीम ही नहीं होंगे तो कम ट्रू कैसे होगा? इसलिए तो मैं कहता हूं ड्रीम इज अ कंडीशन टू गेट द डेस्टिनेशन। जो लोग ड्रीम नहीं रखते उनका ड्रीम कभी भी कम ट्रू नहीं होगा। एमलेस पर्सन को मैं जानवरों की मिसाल देके कहता हूं, जस्ट लाइक अ एनिमल,
जिस शख्स का कोई एम नहीं है वो ऐसे ही है जैसे जानवर, दाएं बाएं फिरते रहेंगे, उन्हें नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है, उन्हें नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। अल्लाह ने मुसलमानों की डायरेक्शन सेट कर दी है, अल्लाह ने फरमा दिया है कि अच्छे अमाल कर कर आओगे तो ये जन्नत आपका वेट कर रही है, और अल्लाह ना करे अच्छे अमाल करके नहीं आओगे तो फिर जहन्नम आपका वेट कर रही है। अल्लाह ने तो खुद हमारे ड्रीम और एम सेट कर दिए हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे ड्रीम सेट करके ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह को खुश करने वाले हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाले हों, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हों। क्योंकि बाज लोग बिग ड्रीम से मुराद ये समझते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लेना, जायज़ नाजायज़ हर तरीके से पैसा कमा लेना, नहीं, ड्रीम ऐसा रखें जिससे आखिरत और दुनिया दोनों बनती हों। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि कामयाब वो शख्स है जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। अल्लाह हम सब को ऐसा ड्रीम रखने वाला बना दे कि हम सब लोग भी अल्लाह की मेहरबानी से जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। जज़ाकअल्लाह बेटा, थैंक यू।